देखिए आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने, जहां मैं हूं, एसएसपी साहब भी यहां पर हैं, तो हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी कंप्लायंस के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। इसमें कई जगह पर वायोलेशन पाया गया है और वो ऐसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं और जो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं, उन सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को सील किया गया है। और मैं ये सभी से मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क पहने, और अगर जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है, तो उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें 50% केसेस सिर्फ जिला श्रीनगर से आ रहे हैं, जिसके साफ जाहिर होता है कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी को कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं, और जहाँ जहाँ ब्रीच मिलेगा वहाँ इन्फोर्समेंट स्क्वाड एक्शन करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ कोविड प्रोटोकॉल के वायोलेशन की वजह से लगातार केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, हम 2-3 दिन वॉच करेंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ उनको कंप्लीट लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे शहर में 2-3 इलाके पूरे शहर को ख़तरे में डालें और हर किसी की ज़िंदगी के साथ खेलें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही है। आज मैं और DC श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे, हमने मार्केट एरियाज़ में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त कदम लेने पड़ेंगे। थैंक यू।